अगर आप वृंदावन में हो और वृंदावन से डायरेक्ट मुंबई जाना है तो मैं आपको बताती हूँ, नई बस चल रही है। बच्चे अब सामने रहेंगे और हम यहाँ बड़े, हमारा डबल सीटर है, उनका सिंगल है, पर वहाँ पे एसी वेसी सब परफेक्ट है। सो गाइस, भिंडी मसाला और साथ में दाल तड़का आ चुके हो, फटाफट खा। राधे 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 राधे। वेद बिहारी धाम वृंदावन। राधे राधे ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल जी महाराज। जो लोग शादी करने के लिए उतावले हो रहे, मरे जा रहे ना बेटा, जिंदगी तो वही झंड हो जाएगी, बस एक बार शादी हो दो। पागल बाबा जी लग रही बस साड़ी पहन कर आ जाओ, बस साड़ी पहन कर आ जाओ का क्या मतलब है? इधर मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है, मैचिंग झुमका नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहा है, बस साड़ी पहन कर आ जाओ, अभी और 2 घंटा रुको। सो गाइस, ये है यमुना, हमारी यमुना माता है ये। बस हमें मिल गई है, बैठे हैं हम अपने कैबिन में, ये देखो। हाँ, बढ़िया मस्त हमारे हैं। हाँ, और बच्चों के लिए हम लोगों ने अपने सामने कैबिन दे दिया। हाँ, बच्चे अब सामने रहेंगे और हम यहाँ बड़े, हमारा डबल सीटर है, उनका सिंगल है, पर वहाँ पे एसी वेसी सब परफेक्ट है, और गाड़ी इतनी गजब की है ना भाई साहब। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अगर आपको, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मुझे मालूम है कहाँ से रास्ता लेना है, कहाँ से जाना चाहिए आपको, तो अगर आप चाहते हो ना, तो अगर आप वृंदावन में हो और वृंदावन से डायरेक्ट मुंबई जाना है तो मैं आपको बताती हूँ, नई बस चल रही है सफ़र, और सफ़र बस इतनी खूबसूरत है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने इतनी बसों में ट्रैवल किया ना, इतना अच्छा एम्बियंस मुझे नहीं लगा, साफ सुथरी है ना, और देखो चदरे वदरे एकदम साफ है, चदरे वदरे एकदम साफ है, कि अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा वो, लेकिन उसका टाइमिंग चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर डायरेक्ट जा रही है तो कहाँ से, मथुरा वृंदावन से एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट जाएगी मुंबई।
हमने बोरीवली सेट किया है, लोकेशन आप चाहे तो कहीं का भी कर सकते हैं। चलिए मजे लेते हैं। हाँ समोसा कैंडी जो खाना खा लेना, क्योंकि अगर आप तबीयत खराब हो गई, अगर आप तबीयत खराब हुई तो सीधा घर ही जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो गाइस अभी हमारी बस को स्टॉप मिला है और इतनी तेज भूख लगे जैसे दिमाग खा जाए, अपना खुद का ही दिमाग खा जाए ऐसा लगा, पर हम तो शुद्ध शाकाहारी नहीं खा सकते, वेटिंग फॉर दी फूड खाने का इंतजार कर रहे हैं। सो गाइस भिंडी मसाला और साथ में दाल तड़का आ चुके हैं, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं कि यहाँ पर वेट करें, ये बस ना निकल रहे। सो गाइस हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी है, पर जिस जगह पे रुकी ना वहाँ पहाड़ है, लव द पहाड़ एरिया, तो घर जाने से पहले भी हमें पहाड़ मिल रहे हैं और हम लोग शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे घर। ये देखिए कितने बढ़िया हैं, सामने भी पहाड़ है। क्या पर भीड़ होगी, इसको तो बेचारे को पूछ नहीं रहा, वो दिख भी नहीं रहा किसी को। तो लोग लगे हैं छोटे ओरियो के साथ खेलने, बस अब जाओ और हाथ धो के आओ, चलो अब ये खेल रहा है, पकड़ लो देख मुझे पकड़ रहा है, कह रहा है मैं काट भी दूंगा तुझे, परेशान करेगी तुम, खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई। सो गाइस अभी हमारी गाड़ी जहाँ रुकी है ना उसके बाजू में मुझे एक चाय की टपरी है, वो बहुत अच्छी लगी। अरे एक मराठी भाव है अपना, अभी हम मुंबई आ गए ना, तो अभी हम मुंबई घर वापस हो गए, तो बाबा अभी हो ही नहीं है पहुँचने वाले, तो पहुँचने वाले अपने भाव को बोल के मैंने चाय बनवा ली। भाव बहुत टेस्टी चाय है, भाव पीछे है कुछ सुन भी नहीं रहा, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, भाव ने बहुत अच्छी चाय बनाई है, बहुत टेस्टी। अभी कहाँ मेरा बैग रखा था, बैग सीधा लोकेशन अमेजिंग, ऐसी जगह पे चाय पीने का ऐसा लग रहा है मतलब उत्तराखंड आ गए, गाइस घूमते घूमते आ गए, अभी रुके ही हुए हैं थोड़ा सा आगे बढ़े थे, बहुत खूबसूरत है। तो मेरी गर्मा गर्म मैगी आ गई और मैं बस ये खाऊंगी और उसी कोने में बैठ के खाऊंगी जो मैंने आपको दिखाई। रुको रुको वीडियो को नहीं बगाओ सर, एक मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे पता है कि आप लोग मुझे पसंद नहीं।